कलयुग का सबसे पहला प्रिंस है जो नारायण और लक्ष्मी सबसे पहले राज करते हैं सतयुग के अंदर। ये 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी ये हैं, जिनके अंदर 16 कला संपूर्ण बोलते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बोलते हैं। और ये लक्ष्मी और नारायण सबसे पहले सतयुग के अंदर पहले राज करते हैं, जिनको 16 कला संपूर्ण बोलते हैं। इन्हीं को विष्णु बोला जाता है, दोनों के सम्मिलित रूप को विष्णु कहा जाता है। और जब दोनों राज करते हैं तो लक्ष्मी और नारायण कहा जाता है। सम्मिलित रूप को विष्णु कहा गया है, जिसे 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। आत्मा का दिखाया गया, आत्मा का संस्कार जो होता है, आत्मा जो है मन बुद्धि और संस्कार से ही सोचती है। जैसे मन से थिंकिंग सोचती है और बुद्धि से कोई भी चीज़ का डिसीजन लेता है, और संस्कार जो है वो प्रीवियस टाइम का जो पास्ट टाइम का जो होता है संस्कार, उसके अनुसार से वो डिसीजन लेता है प्रेजेंट टाइम में। यहाँ से हम अपने संस्कार को मन बुद्धि से भी अपने संस्कार को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ड्राइवर जो है अपने सीट पर बैठ के पूरे गाड़ी को कंट्रोल करता है, उसी तरह आत्मा जो है पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और आत्मा का वास स्थान जो होता है भृगुटी होता है, जो भृगुटी यहाँ पे दिखाया गया है, ये भृगुटी है जहाँ पे आत्मा वास करती है। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो कहते हैं कि आत्मा परलोक पधार गया है। इसका मतलब है कि शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का कंट्रोल जो होता है वो आत्मा करती है। उसके बाद शरीर का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए पूरे का पूरा कंट्रोल आत्मा करती है। आत्मा का परमपिता परमात्मा, यहाँ पे कृष्ण और परमात्मा के बारे में बताया गया है। कृष्ण को देवता कहा गया, ना कि भगवान कहा गया, इसलिए श्री कृष्ण को आकारी देवता कहा जाता है, जिसका आकार होता है जो 16 कला संपूर्ण होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम होता है, अहिंसा परमो धर्म होता है। लेकिन यही परमात्मा के बारे में बताया गया है कि निराकार परमपिता परमात्मा होता है, जिसका कोई शेप नहीं होता है, और ज्योति बिंदु स्वरूप होता है, जन्म मृत्यु से परे होता है, अजन्मा और भोक्ता होता है, सुख शांति पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति और प्रेम का सागर है, जो कि आत्मा का ये गुण हुआ। तो आत्मा के पिता परमात्मा होता है, जैसे आत्मा होता है उसी तरह परमपिता परमात्मा होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया तीन लोक का, यहाँ पे डिस्कशन बताया गया, एक ब्रह्म लोक होता है, सूक्ष्म लोक होता है और साकार लोक होता है। ब्रह्म लोक के रहने वाले परम धाम और शांति धाम भी इसे कहते हैं, जहाँ पे परमपिता परमात्मा रहते हैं, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप होते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता है। जो ऊपर में आप देख रहे हैं, वो जो लाइट देख रही है सबसे ऊपर, वही परमपिता परमात्मा है उनके, और बाकी जो ये सब देख रहे हैं ये सारे आत्मा हैं। उन बिंदु के ऊपर नीचे लिखा हुआ लक्ष्मी और नारायण, दो बिंदु दिखाया गया, वो लक्ष्मी और नारायण वहाँ पे इंडिकेट किया गया। उसके बाद हम लोग जैसे भक्ति मार्ग के अंदर 108 माला 16108 माला दिखाते हैं, तो वो जो आप देख रहे हैं नीचे का जो बिंदु दिखाया हुआ है 108 माला है, फिर 16108 माला है। उसके बाद जो है जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं, वैसे वैसे धर्म की स्थापना होता है। उसके बाद आते हैं जैसे जैसे धर्म, जैसे इब्राहिम धर्म आते हैं, फिर बुद्धिस्ट धर्म आते हैं, जीसस क्राइस्ट आते हैं, इस तरह से उसकी फिर आत्मा जो उनको फॉलो करते हैं वो फिर उनके साथ नीचे अटैच होते जाते हैं। तो वो जो आपको दिखाया गया नीचे बिंदु बिंदु, वो उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये ब्रह्म लोक का है। उसके बाद सूक्ष्म लोक में बताया गया है कि ब्रह्मा रहते हैं, तो ब्रह्मा जो है सूक्ष्म रूप में ही रहते हैं, और साकार लोक में मनुष्य आते हैं, जहाँ से एक एक आत्मा जो है सतयुग में आते हैं, सतयुग में सतयुग, उसके बाद त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। तो जो आत्मा आते हैं एक एक करके आत्मा आते रहते हैं, जैसे अभी देखते होंगे जनसंख्या बढ़ गया है, तो वहाँ से एक एक आत्मा आते हैं। जब पूरी आत्मा वहाँ से खाली हो जाएंगे, फिर जो कहा जाता है एक भक्ति मार्ग के अंदर कि शंकर को जो है, शंकर के साथ पूरे बारात जाते हैं, तो यहाँ से सभी लोग एक बार परम धाम जाएंगे, जो कि अभी संगम युग चल रहा है, जिसके बाद परम धाम सभी लोग जाएंगे अंत में। ये है परम पिता परमात्मा। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि आत्मा कौन है। आत्मा हम लोग का भृगुटी में वास करते हैं, तो आत्मा जिस तरह का आत्मा होते हैं उसी तरह परम पिता परमात्मा होते हैं, क्योंकि हम उनके संतान हैं। इसलिए जो यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट जो दिखाया गया है, ये परम पिता परमात्मा का पहचान है, और आत्मा इसी तरह का होता है। आत्मा जो शरीर में भृगुटी के पास बैठती है, जहाँ की पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो जैसा मेरा आकार होगा उसी तरह का परम पिता परमात्मा होगा। जो हम पॉइंट ऑफ लाइट है, उसी तरह पॉइंट ऑफ लाइट हमारे परमपिता परमात्मा है। परमात्मा के जो ये सारे गुण हैं, 32 गुण हैं, जो कि कहा जाता है परमात्मा निराकार है, संति शांति के दाता है, पतित पावन है, ज्ञानामृत के सागर है, मुक्ति वो जीवन मुक्ति के दाता है,
विष्णु द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञाता हैं, दुख हरता सुख हरता हैं, सबके सुख के दाता हैं, इसी तरह सदगति दाता हैं, अकाल मूर्त हैं, आनंद के सागर हैं और जन्म मरण से न्यारे जो कभी जन्म नहीं लेते हैं। ये परम पिता परमात्मा के रचयिते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये कई जैसे हम शंकर जब शंकर का पूजा करते हैं, जैसे जाते हैं शंकर के शिवलिंग पे जल ढारने के लिए, वहाँ पे देखते होंगे तीन इस तरह से लगाते हैं, खींचते हैं, तो जिसमें ब्रह्मा और विष्णु महेश को इंडिकेट करते हैं और बीच में परमपिता परमात्मा को कहते हैं। ये दर्शाता है कि परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का रचयिता है, जो कि ब्रह्मा के मुखवंशा द्वारा सृष्टि रचते हैं, विष्णु द्वारा पालना होता है और शंकर द्वारा विनाश होता है। विष्णु को दिखाया गया आपको स्वदर्शन चक्र और शंख और कमल और यहाँ पर गदा। कमल जो है बताया जाता है कि कीचड़ में कमल खिलती है, तो कीचड़ से बताया जाता है कि आप ऊपर अपने संस्कार को ऊपर रखिए, यानी घर के अंदर रह के भी अपने संस्कार को ऊपर रखिए। गदा होता है शक्ति का निशानी, स्वदर्शन चक्र होता है स्व का चक्र, मतलब हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं उसे हम अपने स्वदर्शन चक्र के द्वारा निकालते हैं, और यहाँ से शंखनाद मतलब ज्ञान का सुनाते हैं, जो भगवान ने ज्ञान दिया उनके द्वारा ये शंखनाद करते हैं। ये चक्र दिखाया गया सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो जैसे हमारे जीवन चक्र चलता है, जैसे हम एक छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपने परिवार को पालना करते हैं, उसके बाद बूढ़े होकर अपने शरीर को त्याग देते हैं, उसी जैसे हमारा जीवन चक्र चलता है, उसी तरह ये पूरा सृष्टि चलता है, जिसके अंदर चार युग होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और एक होता है जिसपे संगम युग होता है, जो कि शिव आते हैं 100 साल के लिए, 100 साल के लिए। सतयुग के अंदर जो होता है देवी देवता आते हैं, और त्रेता युग के अंदर भी देवी देवता आते हैं। जैसे आपने भक्ति मार्ग में पढ़ा है कि 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, तो सतयुग और त्रेता युग के अंदर ही 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। सतयुग के अंदर जो देवता का संख्या होता है वो 9 लाख होता है और अंत होते होते 1 करोड़ तक चला जाता है। उसके बाद त्रेता युग तक के अंतिम पूरे देवता जो होते हैं वो 33 करोड़ तक आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे द्वापर युग में दिखाया गया, द्वापर युग जो है वो सबसे पहले जो पूजा हम लोग पूजा स्टार्ट करते हैं वो द्वापर युग से करते हैं, जो सर्वप्रथम शिव का मंदिर ही बनाते हैं, जो देवता जो है वो अपने 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 जो है संस्कार धीरे 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 अपना लूज कर देते हैं, जिसके कारण से वो स्वयं को पूजना शुरू कर देते हैं, और सबसे पहला सोमनाथ मंदिर को पूजा गया, जो कि आपको सोमनाथ उसके बाद पशुपतिनाथ के अंदर ये दिखाया गया। उसके बाद कलयुग के अंदर होता है, कलयुग के अंदर ऐसे विकार हो जाते हैं जो कि मनुष्य को ही पूजना शुरू कर देते हैं। और अंत में जो दिखाया गया यहाँ पे ब्रह्मा जो है अपने मुख वंशावली के द्वारा अपने बच्चों का पालना करते हैं, जो कि संगम युग कहलाता है। संगम युग के बाद फिर से पुनर्वृत्त होगा सतयुग का, ये संसार का नियम है। कलयुग के बाद क्या होगा? कलयुग अभी संगम युग चल रहा है। अच्छा, संगम युग के बाद पुनः सतयुग आएगा। ये कलयुग और संगम युग अलग अलग है? नहीं, कलयुग के बाद संगम युग आता है। संगम युग में भगवान शिव जो है ब्रह्मा द्वारा गीता का पाठ पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी उनका अवतरित हुआ 80 साल हो गया है। हाँ, उसके बाद कन्वर्ट होगा सतयुग में। अच्छा, ये कब तक रहेगा? ये अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं, लेकिन 20 साल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल केदारनाथ में 1 मिनट के अंदर कई लोग की मृत्यु हो गई थी, तो बाबा बोलते हैं श्री बाबा कि ये एक नमूना है ये चीज़ें। प्रश्न पूछिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। प्रश्न तो बहुत है सर, अभी मेरा वो है प्रश्न तो। अब ये एक जी, ये सृष्टि चक्र दिखाया गया, वर्ल्ड ड्रामा व्हील इससे बोला जाता है, जिसके अंदर जो है सतयुग, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग,
ये कहा जाता है कितने कितने वर्ष का होता है, तो पूरे 5000 वर्ष का साइकिल चलता है, जिसके अंदर सतयुग 1250 साल का होता है, त्रेता युग 1250 साल का होता है, द्वापर युग 1250 और कलयुग 1250 और 100 वर्ष के लिए संगम युग होता है। ये जो दिखाया गया है पूरे सृष्टि चक्र दिखाया गया, उसके बाद दिखाया गया है कि त्रेता युग के बाद जो द्वापर युग होता है सबसे पहले कौन सा धर्म की स्थापना होता है, त्रेता युग के बाद इब्राहिम के द्वारा स्थापना होता है इस्लामिक धर्म, उसके बाद बुद्धिस्ट धर्म होता है, बुद्धिस्ट धर्म का स्थापना होता है, उसके बाद होता है जीसस क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्म का स्थापना होता है, जहाँ से हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिश्चियन धर्म से ही हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं 2000 AC और 2000 BC, यहीं से हिस्ट्री स्टार्ट होता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि उसके पहले कौन सा धर्म था। बिल्कुल ये चीज़ है, इसलिए कहा गया कि आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे, अब आए हैं और हर 5 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहु पुनरावृत्ति होती है। जैसे आज आप फोटोग्राफ ले रहे हैं, 5000 वर्ष सेम इसी तरह आपने फोटोग्राफ लिया था। ये हुए ब्रह्मा, जिसको ब्रह्मा मुख वंशावली हम लोग जो बोलते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा द्वारा ही पूरे गीता का ज्ञान दिया जाता है परमात्मा। परमात्मा सबसे पहले इनके अंदर ही प्रवेश करके गीता ज्ञान सुनाते हैं। गीता ये ब्रह्मा जो है फिर अपने बच्चों को मुख वंशावली बनाते हैं। मुख वंशावली वही बनते हैं जो 5 विकारों का दान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। जो इन 5ों चीज़ों को दान करते हैं वही इनके मुख वंशावली बनते हैं। जो यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है, यहाँ पर दान जो है 5 विकारों में से जिसके अंदर जो विकार है वो सारे अपने दान करके मुख वंशावली इनके बन सकते हैं। कलयुग की सृष्टि का विनाश जो होता है, ये आपको सबसे पहले इसमें 3 चीज़ होता है, एक यादव होता है, एक कौरव होता है और पांडव। आपने जैसे भक्ति मार्ग के अंदर ये 3 चीज़ पढ़ा होगा, तो जो 3 चीज़ पढ़ा है आपने, जैसे यादव जो पढ़ा है आपने, तो यादव जो होता है फॉरेन कंट्री, यादव जो होता है थोड़ा फॉरेन कंट्री में जो होता है वो एटॉमिक वार के कारण जो है ना सबसे पहले खत्म हो गए। और कौरव होता है, कौरव और पांडव, कौरव होता है जो इंडिया के अंदर जो मुख वंशावली होते हैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए, उनके अगेंस्ट जो काम करते हैं वो कौरव कहलाते हैं। तो जो इंडिया के अंदर होता है वो सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, ये 2-3 चीज़ें आएंगे जिसके कारण से फिर जो है अंत में कलयुग का विनाश होगा और सतयुग का स्थापना होगा। जो योगी होती है उसके अंदर ये 4 अष्ट शक्तियाँ होती है, जैसे पहले दिखाया गया पावर ऑफ टॉलरेंस, पावर टू टॉलरेंस यानी सहन शक्ति। जैसे एक पेड़ के अंदर हम पत्थर भी मारते हैं फिर भी वो फल देता है, उसी तरह हम लोगों को बनना है। सेकेंड चीज़ में समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, किसी भी कितना भी बड़ा विकराल यदि वर्ड हो, कोई भी बातें हो, तो उसे कैसे हम पावर टू एडजस्ट करें, मतलब समाने की शक्ति अपने अंदर रखें। और तीसरा है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, जो किसी भी चीज़ को परख के ही हमें आगे काम करना है। चौथा है पावर टू टॉलरेंस, निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर। पावर टू फेस, किसी भी चीज़ को फेस करने की शक्ति होना चाहिए। और उसके बाद सहयोग करने की शक्ति, एंड देन विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, और लास्ट में होगा समेटने की शक्ति जब सतयुग आएगा। इसके अंदर जो भक्ति मार्ग के अंदर बताया ना, सहयोग, पावर टू टॉलरेंस।